वेलकम, मैं हूं वरदा शोएब और एक बार फिर से वेलकम कहती हूं आपको हमारे नए शो में जिसका नाम है रिवायतों की लज्जत, जहां हम बात करते हैं रिवायात की, रिवायात से जुड़ी हुई लज्जत की और हमारी सकाफत की, क्योंकि जहां पे रिवायत होती है वहां पे खानों का जिक्र लाजमी होता है। हमने हैदराबादी रिवायात के बारे में तो बहुत सुना है और हैदराबादी खाने भी बहुत मशहूर हैं, मिर्चों का सालन और खट्टी दाल और ये सब चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी हैदराबाद की बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं जो कि हम सिखाएंगे आपको हमारे आज के शो में। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने इनवाइट किया है हमारी हैदराबाद की स्पेशल जो एक्सपर्ट हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, और उनका ख़ुद का ताल्लुक भी जो है वो हैदराबाद से है। तो हमने सोचा क्यों ना ऑथेंटिक रेसिपी से आपको जो है वो बताया जाए तरीका किस तरह से बनती हैं हैदराबाद की जो नई रेसिपी हम आज की बनाने वाले हैं। तो इनवाइट करते हैं सबसे पहले हमारी आज की गेस्ट को जो कि हैं आतिका जी। अच्छा आइए आतिका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आतिका जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए आप जो हैं वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरा ताल्लुक तो लखनऊ से है, बट मेरे इन-लॉज जो हैं वो हैदराबादी हैं, बिकॉज तो इस वजह से अब माशाल्लाह 18 इयर्स हो गए मेरी शादी को, तो अब सब कुछ हैदराबादी ही स्टाइल का बन रहा होता है घर में। तो चलें स्टार्ट करें, सबसे पहले आप क्या बनाना शुरू करेंगी? दम के कबाब से मैं खास स्टार्ट करते हैं। दम के कबाब से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आइए आप यहाँ पे आ जाइए। अच्छा मेरा इस शो में जो है ना वो थोड़ा सा सीन उल्टा हो गया है। यूजुअली आपने अक्सर मुझे देखा होगा कि मैं शोज में जो है कुकिंग करके बताती हूँ, लेकिन यहाँ आप थोड़ा समझ सकते हैं कि मैं कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि कभी मैं भी देखूँ किसी को कि कोई और बनाना सिखा रहा है और मैं सिर्फ खड़े होकर देख रही हूँ और उनके हाथ के बने हुए खाने मैं इन्जॉय कर रही हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, किचन पे नज़र पड़ती है तो खुद ब खुद हमारे हाथ जो है वो चलने लगते हैं, इसलिए मैंने पहले काउंटर चेंज कर लिया। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं इस कबाब के लिए? जी हाँ, मैंने ऑयल इस वजह से पहले से इसमें चढ़ा दिया है ताकि हमें थोड़ा सा इसको गर्म करना है। अच्छा एक ये हम चिकन मिंस लेंगे इसमें हाफ के जी। अच्छा दम के कबाब आप चिकन से बना रहे हैं? मैं चिकन से बना रही हूँ, बीफ से भी बना सकते हैं हम। अच्छा। मटन के भी बना सकते हैं, बट मैं चिकन से बना रही हूँ। ओके ठीक है, इसके अंदर हम अराउंड 1 teaspoon क्रश धनिया डालेंगे। मैं पिसा हुआ नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे उसमें फ्लेवर नहीं आता है। आप फ्रेश पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करें। फ्रेश पिसा हुआ, और कोशिश करें अगर टाइम है तो साबुत लाके खुद आप। हाँ ये बात एग्जैक्टली, तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है। खानों आप घर में कोई एक सिंपल सा पुलाव भी बनाएंगे ना और उसमें भी अगर आप फ्रेश पिसा हुआ धनिया डालें तो मैंने पहले भी शो में आपको बताया है उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है। एग्जैक्टली। अच्छा इसमें मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ 1/2 teaspoon, कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ 1/2 teaspoon, और एज पर योर टेस्ट अगर आप लोग ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, बट मैं 1/2 teaspoon डाल रही हूँ उसके अंदर। पिंच ऑफ काली मिर्चें इसमें आप डाल दें थोड़ी सी। अच्छा लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं हम 1 teaspoon, मैं आपको 1 spoon दो मिक्स करने के लिए। सही, थैंक यू सो मच। वेलकम। If you need tablespoon, we do have, no? Okay. Mixing okay. के लिए, if Thank you want. You. No problem. जी। इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अच्छा फ्रेश कोरिएंडर आपने ऐड किया है इसमें? फ्रेश कोरिएंडर डाला है, और ग्रीन चिलीज भी इसके अंदर हमें ऐड करनी है थोड़ी सी। अच्छा फ्रेश चॉप की हुई? फ्रेश चॉप की भी आप ऐड कर दें। सही। अच्छा बेस्ट ये है कि आप इसको मैरिनेट करें, ओवरनाइट कर दें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 2 hours के लिए तो आप इसको मैरिनेट करें, और इन सारी चीज़ों को आपने मिला के चॉप करना है। अच्छा हम चॉपर में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा कीमे, अच्छा चिकन का कीमा तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा वो होता है, लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और चॉप हुआ हुआ ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आप उसको जो है सारे मसाले डाल के चॉपराइज कर लें, राइट? और इसको हमने कोशिश करें ओवरनाइट इसको मैरिनेट करना है, वरना 2 से 3 घंटे आप कर सकते हैं। अच्छा मैं इसमें अनियन भी ऐड कर रही हूँ, आप अराउंड 1 medium अनियन भी इसमें ऐड करें। अच्छा साबुत आपने साबुत करके और आप इसको चॉप कर। सही, हाँ जब चॉप करेंगे इसको हम तो सब अनियन भी इसमें अच्छी खासी जो है वो मिक्स हो जाएगी। शिमला मिर्च भी डालेंगे इसमें? नहीं शिमला मिर्च इसमें नहीं, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे अभी कबाबों की, उसमें हम ऐड करेंगे। मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, एक्चुअली मैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप घर से लेके आई हैं, घर से इसको मैरिनेट करके लेकर आएंगे।
ओके जबरदस्त। अच्छा चॉप भी किया हुआ है ये? चॉप भी हुआ हुआ है, मैरिनेट भी हुआ हुआ है ओवरनाइट, ठीक है, उसका फ्लेवर और अच्छा आता है। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके फिर कबाब बना लेती हूँ। सही, अच्छा जी ऑयल, अच्छा आपने हल्का शैलो फ्राई करना है इसको कबाब बना के। सही, अच्छा जी हमने जो है वो तमाम मसाले लगा के इसको ओवरनाइट रख देना है। यहाँ पे हमारे पास टाइम की कमी होती है, इसलिए आतिका जी जो है ये घर से अपने चॉप करके और मैरिनेट करके ओवरनाइट लेके आई थी कीमा, और अब इसके हम कबाब बना लेंगे। छोटे छोटे कबाब बनाने हैं इसके? हाँ, कबाब बनाने। आपको ऑयल की जरूरत है या? जी हाँ मुझे ऑयल, हाँ थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए हैंड्स। ओके, हम यहाँ पे बोल यूज कर सकते हैं इसमें हम। मैं ऑयल थोड़ा सा आपको निकाल देती हूँ ताकि हम ऑयल जो है वो ग्रीस कर लें। यस कबाब बनाने हमें इसके, राइट? अच्छा कबाब श्रिंक भी होंगे अभी तो? श्रिंक होंगे जी, सही ना, तो और छोटे हो जाएंगे। हाँ, ये इसलिए मैंने थोड़ा सा साइज इनका बड़ा रखा है। सही, अच्छा जी जरूर। अच्छा आप कोई भी शेप दे सकते हैं अगर आप चाहें। हाँ, इसको राउंड शेप देना या फिर राउंड दे दें? सही, राउंड इस समय कॉमन है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने की वजह से मैंने इसको। सही, जैसे कि हम मुट्ठी कबाब भी बनाते हैं। हाँ, तरीके से उस तरह से आपने इसको शेप दे देना है रोल। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइंग की तरफ ध्यान दे लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाए। अच्छा इसको हमने शैलो फ्राई करना है, राइट? ओके, हम ये शैलो फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे इसको। अच्छा जी, अच्छा बहुत कम ऑयल यूज करा है आपने यहाँ पे ना? जी बिल्कुल सही, बिकॉज हमने जो सॉस इसका बनाना है उसमें भी ऑयल होगा, ऑयल जाएगा, तो हम इसमें फिर कम ही ऑयल यूज करेंगे। अभी किसी ग्रेवी भी बनेगी। अच्छा यूजली ये कैसे रोटी के साथ खाए जाते हैं या फिर चावलों के साथ सर्व किए जाते हैं? आप डिपेंड करता है, हमारे घर में तो राइस के साथ खाए जाते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, आप रोटी के साथ पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा आप इसका पराठा रोल ही बना सकते हैं अगर चाहें। हाँ, तो आप राइट, लेकिन जिस तरह से आपने बताया चटनी ऐड करके अनियन वगैरह डाल के ये वेरिएशन आप दे सकते हैं ज़बरदस्त। चलें जी, हो गए। यहाँ से इसको मैं फ्लिप करूँ? ये हो गया होगा या अभी थोड़ा देने दूँ इसको? नहीं हो गया होगा, हो गया होगा, फ्लेम थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा स्लो जी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा फ्लेम हम स्लो कर देंगे यहाँ पे। सही, अच्छा जी इसको आपने लो फ्लेम पे जो है वो कुक करना है, राइट? बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है ताकि वो अंदर से भी गल जाए अच्छे तरीके से, गल कच्चे ना रहे, कच्चे ना रह जाए। सही, वरना अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं जी, और साइड वेज से भी आप इसको कर लें ताकि वो फिर सही, वरना मिस्टेक ये करते हैं कि तेज़ आँच पे फ्राई कर लेते हैं फिर कबाब जो है वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से उनका एक कलर आ जाता है। तो ये आप नहीं करें, आप लो फ्लेम के ऊपर कबाब को फ्राई करें। और जब तक हम यहाँ पे तमाम कबाब जो है वो फ्राई कर लेते हैं, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं जाना नहीं है आपने क्योंकि बहुत ही मज़े की रेसिपीज बन रही हैं। तो देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में आज हम बना रहे हैं हैदराबाद की रिवायती लज्जत जो कि है दम के कबाब और हैदराबादी चाट, राइट? अच्छा जी ब्रेक पे जाने से पहले हम कबाब फ्राई कर रहे थे, कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी सॉस। सॉस बना, अच्छा दूसरे चूल्हे पे जो है हमने कोयला जो है वो रख दिया है दहकाने के लिए, राइट? क्योंकि हम स्मोक करेंगे, हम इसको स्मोक करेंगे, दम के कबाब है तो हम दम देंगे। अच्छा जी, अच्छा जिस ऑयल में हमने ये कबाब फ्राई किए थे, कबाबों को हमने डिश आउट किया है, और हम इसी ऑयल में सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। सही, थोड़ा सा इसको हमें सौते करना है, राइट? इसको सौते करने के बाद सही आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर दें। कैप्सिकम कितनी ली है आपने? एक बड़ी कैप्सिकम ले लीजिए। okay. और अनियन भी आप एक बड़ी अनियन ले लीजिए, बहुत है। अच्छा देखिए, अच्छा इन्होंने यहाँ पे अनियन को स्लाइस नहीं किया है, एक अनियन के आई थिंक चार टुकड़े कर लिए हैं, क्यूब्स कट करे हैं। कैप्सिकम के भी उन्होंने क्यूब्स करे हैं और अनियन के भी जो है वो क्यूब्स कट करे हैं, और उसको ऐसे ही सौते कर रही हैं जस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, राइट? ओके, वेजिटेबल्स को ज़्यादा ओवर कुक ना करें वरना फिर उसके सारे न्यूट्रिशन जो है वो फिर अच्छा वो अच्छे भी नहीं लगते, क्रंच एक अच्छा लगता है वेजीज के अंदर ना।
ग्रीन चिलीज भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इनका भी बहुत अच्छा मज़ेदार फ्लेवर होता है। अच्छा, इसी के अंदर मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 teaspoon क्रश चिलीज आप ऐड कर दें इसके अंदर। अच्छा, इसमें एज पर टेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने हरी मिर्चें भी ऐड करी है ना इसमें। अच्छा, हरी मिर्चें भी आपने पतली वाली यूज़ करी है? पतली वाली। ओके, बुलेट चिलीज यूज़ नहीं करी है। ओके, कबाब वगैरह थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं, और हैदराबादी लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चटपटा और चटखारेदार खाना खाते हैं, पसंद करते हैं। इसमें आप टोमेटो की चटनी ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे गार्लिक सॉस यूज़ किया है, चिली गार्लिक सॉस, राइट। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस अगर आपके पास नहीं है, आप टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आप क्रश चिली हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, आप देखें आतिका जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुकिंग कर रही हैं, राइट। आज बिल्कुल तेज़ नहीं कि कबाब भी लो फ्लेम पे बने और ये वेजीज भी सौते हो रही हैं, ये भी बहुत स्लो फ्लेम पे कर रही हैं। ओके, और बस दैट्स इट, इसकी यही ग्रेवी होती है। ओह माय गॉड, कितना सिंपल और ईजी है बनाना ये ना। और इसमें हम कबाब डाल देंगे। अब आप इसमें इस तरह से कबाब रख के लास्ट में कोयले का स्मोक दे देंगे। अरे भाई, तो बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है, क्विकली इजी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपके घर में दावत है और आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो व्हाई नॉट दम के कबाब बेस्ट है आपको। अच्छा, कोयले का दम देना है जी। अच्छा जी, ये रहे टोंग्स, आप ये यूज़ कर सकती हैं यहाँ पे, ये लीजिए। उसमें वेट कर लीजिए, थोड़ा सा हो जाए। अच्छा जी, चलें। अच्छा, थोड़े से कोयले जो हैं वो प्रॉपर रेड हो जाते हैं तो ही जो है उनका एक स्मोकी फ्लेवर आता है। जब तक हम लेड उठा लेते हैं यहाँ पे, जब तक आई थिंक ये हो रहा है, हम अपनी चाट बनाना स्टार्ट करें। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जब तक चाट की। हाँ नहीं, आप साथ साथ बनाती भी हैं, कोई इशू नहीं है या तो। अच्छा, चाट में हम मैं घर से ये बॉयल आलू लेकर आई हूँ, उसमें क्यूब्स कट करके, चने हैं बॉयल हुए हुए, इसके अलावा मैं दही का रायता मैंने बनाया है। आप इसके अंदर दही में हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon चाट मसाला एंड 1 teaspoon आप उसके अंदर कुटी हुई और भुनी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा ये डाल के, और थोड़ा सा धनिया डाल के, और धनिया आपने फ्रेश लिया है या फ्रेश कोरिएंडर, और 2-3 हरी मिर्चें डाल के आप इसको ब्लेंड कर लें। अच्छा, तो आपने दही को बकायदा ब्लेंड कर लिया है प्रॉपर, ताकि वो पतला थोड़ा सा रनी हो जाए। बट द रीज़न इज़ कि मैंने पूरे दही को नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं पूरे दही को करती हूँ तो वो बहुत वाटरी हो जाता है। हाँ जी, इसलिए मैंने पूछा, मैं इसलिए नहीं चाह रही थी, तो मैंने हाफ दही को इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब ये दही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। टोटल आपने कितनी क्वांटिटी ली है दही की? 1 kg दही लिया आपने, 250 grams आप ब्लेंड कर लें। अच्छा, और बाकी 750 grams आप रहने दें, सही है। और आप उसके अंदर ये दही ऐड कर लें और विस्क से आप इसको विस्क वहाँ पे है, सही, आप इसको विस्क कर लेंगे। अच्छा जी, अच्छा आपने इसमें कुटी मिर्च भी भून के और जीरा भी भून के डाला है, राइट जी। अच्छा जी, अच्छा इसको विस्क कर लेंगे। और ये बन रही है यहाँ पे हैदराबादी चाट जी। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है बाकी चाट के? ये चटनी एक तरीके से बन के डल रही है इसमें, राइट, और भगाड़ लगेगा। ये चटनी भी यूजली इस तरह से हम नॉर्मल जो चाट खाते हैं उसमें हम नहीं डालते बना के, ये एक डिफरेंट रेसिपी है। अच्छा, नॉर्मल चाट में होता है कि उसमें इमली की चटनी ऐड हो रही होती है, मीठी चटनी, हरी चटनी ऐड हो रही है, इसमें वो उनमें से कोई चटनी ऐड नहीं होगी, इमली वगैरह कुछ ऐड नहीं होगी इसमें, ये सिर्फ दही और ऊपर से भगाड़ लगेगा, उसका फ्लेवर देखिएगा कितना अच्छा होगा। और ये बिल्कुल अलग हटके एक थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है ना। ओके, अच्छा मेरे ख्याल से कोयले हो गए, कोयले हो गए, सही। आप प्लेट भी उठा लें हाथ के हाथ, ताकि हम उसको कवर कर लें। जी है ना, ऑलराइट, ये ले ले ले, हाँ जी ले लीजिए। अच्छा, स्टोव आपने बंद करना है? स्टोव बंद नहीं करना, स्टोव अभी बंद नहीं कर रही मैं, जब उसके अंदर ऑयल डालूंगी तो फिर मैं बंद कर। अच्छा, उस वक्त आप बंद कर देंगे, सही। ऊपर से हम जैसे हम नॉर्मली कोयले का दम देते हैं, आप इसमें ऑयल ऐड कर दें और लेड लगा देंगे। ऐसे ऑयल पोर करेंगे तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर आप टी स्पून की मदद से इस तरह से। ओके, जैसे ही आपने ऑयल डाला और दम लगना शुरू और हमने इसको कवर कर दिया, ज़बरदस्त। ये तो लाजमी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही डिलिशियस निकलेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट।
ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है. एक तो कबाब जब हम फ्राई कर रहे थे उसकी खुशबू भी जो आ रही थी वो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी. और आई थिंक ये हो चुका है. अब इसमें हम क्या करेंगे? अब बस हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे. अच्छा, बेसन की मैंने बूंदियाँ बना ली थी. अच्छा, ये कैसे बना? क्योंकि ये बहुत एक आप सबने टिपिकल चीज़ है. अक्सर बीच में से इसमें जो है वो आप कहते हैं लम्स रह जाता है, गुठली रह जाती है इसके अंदर. इसको मैंने बस आप थोड़ा सा गर्म पानी में इसको मिक्स करें जी, सोक करें. और इसको आप एक घंटे तक तकरीबन रख दें. तो फिर आपने इसको जो है वो फ्राई कर लिया. फ्राई करने के बाद पानी में सोक किया फॉर गर्म पानी जी, गर्म पानी में. बहुत तेज गर्म होना चाहिए? बिल्कुल थोड़ा सा लुक वार्म वाटर जी. अच्छा, और बस फॉरन ही आप इसको निकाल लें तो फिर ये इसी तरह से देखेंगे सॉफ्ट है. अच्छा जी, हम इसी करेंगे असेंबलिंग. लेकिन असेंबलिंग से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हैदराबादी चाट की असेंबलिंग कैसे होती है. तो कहीं जाइए मत, देखते रहिए रिवायतों की लज्जत. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत. और रिवायतों की लज्जत में आज मेरे साथ हैं हैदराबाद की कुकिंग एक्सपर्ट जो कि खुद भी हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, आतिका जी, और जो हमें बनाना सिखा रही हैं हैदराबादी चाट. जी, अब क्या करेंगे हम? अच्छा, ये तो हमने एक रायता टाइप बना लिया ठीक है, सही. अच्छा, अब क्विक हमने करना ये है कि ये वाइट सफ़ेद चने हैं हमारे पास उबले हुए, ये आप इसमें निकाल लीजिए. सही. अच्छा, अभी डायरेक्ट जो है ये जहाँ पे हमें सर्विंग करनी है उसी में ही हम सब इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं, राइट? ओके. अच्छा, आलू है यहाँ पे हमारे पास क्यूब. अच्छा, ये आप अपनी क्वांटिटी एज पर योर टेस्ट भी ले सकते हैं. अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप दो आलू ले लीजिए, वरना आप एक ले सकते हैं, राइट? मैंने एक बड़ा आलू लिया हुआ है. अच्छा, ठीक है. और चने मैंने इसमें लिए हैं अराउंड 1 कप. 1 कप चने. अच्छा, और दही आपका 1 kg है, राइट? दही 1 kg. ओके. मेरा बूंदियाँ जाएंगी इसमें जाएंगी. जबरदस्त. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद आप इसमें दही ऐड करना है. अच्छा, दही सारा जाएगा. दही बहुत ज़्यादा है इसमें ना, और गाढ़ा भी दही है इसमें. ओके. अब अगर बोल में जगह नहीं है तो आप इसको सेव कर सकते हैं. सेव कर सकते हैं. अच्छा अच्छा जी, इस चाट की जो जान है वो है इसका बघार. अच्छा अच्छा अच्छा. और पापड़ी फिर हम ऊपर से डालेंगे, ऊपर से सर्व करेंगे. अच्छा जी. अच्छा, आप देख सकते हैं जो हमारे दम के कबाब थे वो रेडी हो चुके हैं और डिश आउट भी हो चुके हैं. कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं. यहाँ पे इसको आपने सर्व किया है चटनी रायते के साथ. जी, रायते के साथ. अच्छा, रायता भी आपका जो है वो मसाले के साथ. किस तरह से, कोई स्पेशल रायता बनता है सर्व होने के लिए? रायता नहीं, ये सेम वही रायता है जो मैंने इस चाट के लिए रेडी किया है. अच्छा, वो आपने निकाल के थोड़ा सा 2-in-1. चलें जी, जबरदस्त. अच्छा जी, अब क्या करें? हम भगा रेडी कर रहे हैं. अच्छा जी, सबसे पहले ऑयल आप ले लें, 1/4 cup ले लीजिएगा. उसमें आपने कड़ी पत्ता डाल लें. सही. अच्छा, ज़ीरा हम लास्ट में ऐड करते हैं. कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्चें हम डाल सकते हैं. सही. ये थोड़ा देर में क्योंकि अब कुक होती हैं. कुक होती हैं. ज़ीरा फौरन हो जाता है तो थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए. अच्छा तो जी, फिर उसके बाद जब तक हमारा भगार जो है वो रेडी हो रहा है, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रिकैप. दम के कबाब अज्जा, मुर्गी का कीमा 500 ग्राम, प्याज 1 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया चंद पत्ते, हरी मिर्च 3 से 4 अदद. तरकीब: प्याले में मुर्गी का कीमा, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक, हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च मिलाकर पीस लें. पिसे हुए कीमे के कबाब बना लें. फ्राई पैन में कबाब को हल्की आंच पर फ्राई कर लें. कबाब का सॉस बनाने के लिए पैन में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, नमक, टमाटर की चटनी, लाल मिर्च और प्याज शामिल करें. फिर इस सॉस में कबाब रख दें और कोयले का दम लगा लें. कबाब तैयार हैं. हैदराबादी चाट: अज्जा, आलू 2 अदद, सफ़ेद चने 1 कप, बेसन की बूंदी 1 कप, दही 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया चंद पत्ते, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद, पापड़ी हसबे ज़रूरत. तरकीब:
आधे दही में अदरक लहसुन नमक चाट मसाला जीरा कुटी लाल मिर्च हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें और ब्लेंड किया हुआ दही बाकी सादे दही में अच्छी तरह मिला लें। प्याले में चने बूंदियाँ आलू के ऊपर तैयार दही शामिल करें। पैन में तेल कड़ी पत्ता साबुत लाल मिर्च और जीरा डालकर भगार तैयार कर लें और चाट में भगार शामिल कर दें। सजावट के लिए हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च और पापड़ी डालकर पेश करें। जी जनाब, आई एम श्योर रेसिपी आपने नोट कर ली होगी और हमारा भगार भी जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम भगार लगाएंगे चाट पे। ये देखें, अरे वाह, ओह माय गॉड, फुल ऑफ स्पाइसेस, यानी कि आप कह सकते हैं फुली लोडेड विद भगार ये चाट है। और कितनी अच्छी कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है, राइट? अच्छा, इसके ऊपर से हमने प्याज और टमाटर और हरा धनिया डालना है। ऊपर से आपने प्याज टमाटर हरा धनिया, अगर हम ये पहले डालेंगे भगार से ऊपर से लगाएंगे तो वो जल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से हमने उसको बाद में डालना है, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, उसके ऊपर वही आप जीरा और भुना हुआ जीरा और कुटी हुई मिर्च, राइट, आप डाल दीजिए। अच्छा जी, जबरदस्त, तो बहुत ही मजे का लग रहा है ये ना। अच्छा जी, बहुत एहतियात, चाट मसाला भी डालेंगे आप इसमें ऊपर से? चाट मसाला ऑलरेडी एडेड है इसमें, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, चाट मसाला आपने ऐड किया था रायते में ना? अच्छा, रायते में चाट मसाला ऐड किया था, थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर देते हैं एक फ्लेवर अच्छा देने के लिए। और पापड़ी आप ऊपर से क्रश करके हम डालेंगे इस पे? ऑलराइट, पापड़ी हम उसके ऊपर से डाल देंगे ऐसे करके। पापड़ी जितनी ज़्यादा चाट में हो ना, मुझे तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्रंचनेस जो आती है ना उसकी, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। थोड़ा सा हम डाल देते हैं यहाँ पे, बहुत ही, अरे वाह। तो जनाब, आई थिंक रेडी है दोनों हमारी रेसिपीज, और कितनी झटपट बनने वाली हैं। दम के कबाब और मज़ेदार की जो है हैदराबादी चाट दोनों रेडी हो चुके हैं आपके सामने, और आपने इसको ज़रूर घर पर ट्राई करना है। हमें अपना फ़ीडबैक देके बताना है कैसी लगी आपको। यकीनन सबको पसंद आएगी, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त स्टूडियो में और दिखने में ये इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि आप इसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते कि दैट यू डोंट वांट टू ईट इट। थैंक यू सो मच आतिका जी कि आप आईं और आपने हमारे साथ इतनी मज़े की अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो आपने शेयर की, जिसमें दम के कबाब हैं, हैदराबादी चाट है, जो कि अब तक हमने हैदराबाद की इस तरह के शोज़ में नहीं देखी। और क्यों देखेंगी, क्योंकि हमारा शो ही ऐसा ही है, रिवायतों की लज्जत जो आप तक पहुँचाता है बिल्कुल डिफरेंट हट के यूनिक रेसिपीज़, लेकिन कम्प्लीट रिवायती अंदाज में। इसी तरह से मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रेसिपी है जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, या आपने अपनी सास से, अपनी नानी से, या अपनी दादी से सीखी है और आप चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये रेसिपी आगे हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाएं, तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम इन्वाइट करेंगे आपको अपने शो पे। और इसी के साथ ही फॉर टुडे आई एम गोना साइनिंग ऑफ, लेकिन फिर मिलूंगी आपसे एक नई रिवायती लज्जत के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।